हेलो दोस्तों, यूट्यूब के हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज एक LG फ्लटर का टीवी है और इसमें देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। और ये हमारा टेबल पे लगी है और अभी देखते हैं पावर देके क्या इसका दिक्कतें हैं और आगे आगे क्या क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। ये LG फ्लटर का टीवी है और ये पावर दे चुके हैं और ये देखिए ऊपर से ट्यूबलाइट जैसे दिख रहा है, लेकिन समय बीचों बीच पता ये ऊपर टॉप तरफ का है और इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। और ये है LG फ्लटर का टीवी है, ज़्यादा पुराना नहीं है और ज़्यादा नया भी नहीं है। और ये देखिए इसका सिस्टम, इसको अभी खोलेंगे पीछे से और देखेंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। ये LG फ्लटर का टीवी है, 1 इंची का है और ये है ऊपर में देखिए लंबा सा लाकर। और टीवी हमने खोल लिए हैं और आप बारीकी से चेक करेंगे, थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं सरब्रश से ताकि हर चीज़ साफ़ सुथरा दिखाई दे। और अभी साफ सुथरा हो गया है और इसको चेक करेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं और कैसे प्रॉब्लम है। और टीवी हमने खोल कर साफ कर लिए हैं और किट को पलट के देखते हैं, इसका वोल्टेज पहले चेक करेंगे और अभी फिर दोबारा पावर दे के देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है। लेकिन दोबारा पावर देने के बाद इसमें जो आगे दिख रहा था और ये यहाँ कुछ और उल्टा ही दिख रहा है। ये हमारा HT देखिए, HT में कुछ ये देखिए फ्लैश कर रहा है, देखिए ये कुछ आगे से समस्या था लेकिन खोलने के बाद कुछ दूसरा ही दिखा दिया। वो तो कुछ वर्टिकल सेक्शन का कुछ फॉल्ट था, लेकिन अब दोबारा जैसे स्टार्ट किए तो कुछ और प्रॉब्लम निकला। ये तो उससे पहले कि इसको HT को हम लोग खोल लेते हैं, क्योंकि HT ख़राब है, क्योंकि बड़ी ज़ोर से फ्लैश कर रहा है, तो इसी कारण से हमने HT निकाल लिए हैं। क्योंकि और दोबारा बार बार पावर देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि और कुछ शॉर्ट सर्किट होने का संभावना होते हैं। तो इसी कारण से फिर हमारे पास इस टाइप का HT था, है तो पुराना ही है लेकिन सेम है, तो इसको लगा कर ट्राई करेंगे और फिर दोबारा देखते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो आ रहा है वो वायरलेस एक्सेल का फॉल्ट है, उसको चेक करेंगे। पहले तो HT लगा के इसको फिर से टीवी स्टार्ट करेंगे और फिर दोबारा फिर उसी प्रोसेस में आएंगे कि वो जो आपको आगे फ्रंट में दिखाई दे रहा था प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट करना है। ये HT सेम है, 6006 LG का। और HT को अभी लगाएंगे। ये HT बारिश के दिन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि नमी ज़्यादा होने के कारण से HT ज़्यादा ख़राब होने का संभावना रहता है। तो ये HT हमारे पास था, तो अभी इसी HT को नया नहीं डालेंगे, लेकिन ये भी पुराना ज़्यादा नहीं है तो इसको HT डाल देते हैं। और ये HT हमने लगा दिए हैं और इसको अभी सोल्डिंग करेंगे और ये सोल्डिंग बढ़िया से कर लेते हैं। और ये HT अभी लग गई है, सोल्डिंग ठीक से लगा देते हैं और फिर चेक करेंगे कि और दिक्कत क्या है, क्योंकि वर्टिकल सेक्शन में कुछ और प्रॉब्लम, उसको भी सॉर्ट आउट करना है। पहले तो HT जो दिखाई दे रहा था उसके हिसाब से जैसे खोले यहाँ कुछ उल्टा होने लगा है, फिर जब सीधा था तब फ्लश नहीं कर रहा था ना, या फिर ढक्कन था इसलिए समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ढक्कन खोले तो उसका कुछ और दूसरा जल लिया। अभी पावर दे के देखते हैं हमारा HT ओके हुआ या नहीं हुआ। अब HT के देखते हैं, कन्फर्म करते हैं कि ओके हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए पहले जैसा दिख रहा था, ये हमारा प्रॉब्लम जो दिखाई दे रहा था वो प्रॉब्लम आपको दिख रहा है, और जो नहीं दिखाई रहा तो ढक्कन खोलने के बाद प्रॉब्लम नज़र आ गया, क्योंकि HT का फॉल्ट लगातार नहीं दिखाई दे रहा था। HT तो लगा लिए और अब इसके वर्टिकल सेक्शन में कहाँ फॉल्ट है उसको देख लेते हैं। पहले IC का जो पिन होता है उसमें वोल्टेज चेक कर लेते हैं, आउटपुट निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। आउटपुट अगर निकल रहा है तो फिर बाकी आगे जो वोल्टेज बढ़ता है उसको सेक्शन को चेक करेंगे।
ये 13 वोल्ट प्लस का तो दिखाई दे रहा है और माइनस वोल्ट शायद नहीं दिखाई दे रहा। जो 5 नंबर पिन से आता है वो देखिए 5-6 वोल्ट दिख रहा है, इसमें कुछ कम वोल्ट दिख रहा है। तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस होता है ये वीक हो गया है, फिर रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ गया होगा। जो भी हो उसको फिर से ट्राई कर चेक करके देखेंगे। और पहले हम ये एसी वोल्ट चेक कर लेते हैं। फ्लास्क में देखिए प्लस में लोड है इसलिए 14 वोल्ट कैसी दिखाई दे रहा है, और दूसरा वाला पिन जो माइनस वोल्ट जाता है इसमें आपको 21 वोल्ट लगभग दिखाई दे रहा है, इसलिए कि ये रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ गया, इसमें लोड नहीं है, इसी कारण से इसका वोल्टेज ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और ये भी लोड में आ जाएगा तो वोल्टेज सेम दिखाई देगा। एक ESD में जो 2 पिन होता है, एक प्लस वोल्ट निकलता है और एक माइनस वोल्ट निकलता है। तो पहले हम AC से कंफर्म कर लेते हैं कि इसका आउटपुट निकल रहा है कि नहीं, उसके बाद इसको फिल्टर में यानी डायोड लगा के जो उसका फिल्टर होता है वो देखेंगे आगे तरफ में। तो ये 21 वोल्ट AC निकल रहा है। इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस शायद ओपन हो गया है, और ये देखिए रेजिस्टेंस यहाँ से ही ओपन है। इसको खोलेंगे या फिर देखते हैं, नहीं तो जम्पर मार के इसको पहले आप जम्पर मार भी सकते हैं। 2.2 ओम्स का रहता है तो वो TV ऑन करने के लिए वो भी कर सकते हैं। फिलहाल तो देख लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस क्लियर कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस ओपन है या और कुछ दिक्कत है। लग रहा है तो ये ओपन जैसे लग रहा है, मल्टीमीटर से माप के देख लेते हैं। ये जो प्लस वोल्ट का है उसका ठीक है, वो तो शो कर रहा है मल्टीमीटर में। और ये जो माइनस वोल्ट का है ये शायद ओपन है, ये मीटर में शो नहीं कर रहा है। देखिए ये ओपन है, तो ये जो है इस ओपन के बदले भी रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे। रेजिस्टेंस के बदले भी जम्पर मार के पहले TV ओके करेंगे, फिर बाद में देखेंगे और रेजिस्टेंस डालेंगे। पहले अपना काम आगे बढ़ाते हैं। और ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है नीचे वाला यानी हमारे फ्रंट से आगे तरफ जो लास्ट वाला दिख रहा है वही वाला रेजिस्टेंस ओपन है। तो हमारे हिसाब से इसको पहले जम्पर मार देते हैं और मारने के बाद ही फिर आगे बढ़ा चेक कर लेते हैं। और अगर चल जाता है तो ठीक है, और फिर दूसरा रेजिस्टेंस डालेंगे बाद में। पहले अपना सर्किट ऑन कर लेते हैं, यहाँ से जम्पर मार देते हैं और काम चलाव के लिए फिलहाल सर्विस ओके करने के लिए, फिर बाद में इसको रेजिस्टेंस डालेंगे। फिलहाल जम्पर मारने से भी काम निकल जाएगा और ये दोनों तरफ से रेजिस्टेंस रहने देते हैं, बाद में रेजिस्टेंस भी निकालेंगे। अभी जम्पर मार देते हैं और जम्पर मारने से फिर वोल्टेज चेक करेंगे, और चेक करने के बाद देखेंगे इसका रिजल्ट क्या है। इसको कटिंग कर देते हैं तार को जो जम्पर मार दिए थे थोड़ा सा, और इससे कट कर दिए हैं और हमारी जम्पर लग गई है। और फिर देखेंगे कि इसका वोल्टेज सही हुआ या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम है। ये लग गई है, थोड़ा चेक कर लेते हैं कहीं उखड़ ना जाए, थोड़ा सोल्डिंग कभी कभी दिक्कत होता है। और ये देखिए यहाँ से वोल्टेज इसका आउटपुट होता है 5-6 नंबर से, ये पिन और ये अगल बगल दोनों आपस में सटा हुआ, उसमें वोल्टेज आपको ESD में दिखाई देता है 14 प्लस और 14 माइनस। उसी से आपको ESD का वोल्टेज यानी IC का वोल्टेज निकलता है। और अभी पावर देख चेक करते हैं और वोल्टेज फिर से चेक करेंगे इसका कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा। और ये तो कुछ जैसे हमने लगाए तो मेरा इंडिकेटर जो होता है सीरीज बल्ब वो जलना शुरू हो गया है था, क्योंकि आपको पूरा दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही लगाते हैं सीरीज का बल्ब जलना शुरू हो जाता है। कोई अगर प्रॉब्लम होता है तो उसका हमें दिक्कत नहीं होता, समझने में आसान होता है कि जैसे वो स्क्रीन लोड हो पड़ जाता है और ड्रॉप कर जाता है। तो ये लगता है IC का फॉल्ट है, तो फिर IC को खोलेंगे, फिर दोबारा दूसरा IC लगाएंगे, क्योंकि जम्पर मारने के बाद तो वोल्टेज आगे बढ़ रहा है। तो अभी फ़िलहाल इसको IC को निकालेंगे और IC निकाल के फिर वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारा वोल्टेज सही आ रहा कि नहीं। अब ये देखें वोल्टेज माइनस वोल्ट हमारे यहाँ आ गया 14.6 यानी 14 वोल्ट, और ये 15 वोल्ट प्लस माइनस दोनों वोल्ट यहाँ आ गया है, यानी वोल्टेज यहाँ का क्लियर हो गया है। और देखिए जितना
एसी का पिन है, उसमें वोल्टेज मोटा मोटी सब में दर्शा रहा है जितना जिसने में आने का है, और ये वोल्टेज हमारा ठीक ठाक है। और फिर अभी आईसी इसमें लगाएंगे, वोल्टेज तो ठीक ठाक है और इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। और ये जम्पर हमने मार दिए हैं, फिर थोड़ा सा चेक कर लेते हैं यहाँ से ऊपर से, यहाँ तो सब ठीक ठाक दिखाई दे रहा। ये माइनस वोल्ट को पहले चेक कर लेते हैं वहाँ से कितना सही वहाँ आ रहा कि नहीं आ रहा, क्योंकि आईसी तो पहुँच रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी ऐसे हम ट्राई कर रहे हैं, आईसी तो यहाँ पर क्लियर, यहाँ आईसी निकाल लिए हैं, या वोल्टेज पहले चेक कर लिए हैं। और इसके बाद ये आईसी है TDA 4863, इसको लगाना है अभी, क्योंकि वो आईसी ख़राब था इसलिए वो जो लाइट के इंडिकेटर हो रहा था वो नहीं दिखा पाया आपको, लेकिन वो दिख रहा था। और ये आईसी अभी लगाएंगे TDA 4863, ये लगाएंगे इसमें, और लगाने के बाद फिर देखते हैं इसका क्या दिक्कत है। आईसी एक्चुअली वही दूसरा किट से हम निकाले, क्योंकि ओरिजिनल बाज़ार में सही ढंग से मिलता नहीं। चलिए हमारे पास था पुराना वाला, तो उसी को लगाएं और इसको टाइट करते हैं, क्योंकि पुराना है ये दमदार रहता है, क्योंकि बाज़ार वाला टिकाव होता नहीं, चाइना वाला रहता है, कोई ठिकाना नहीं है चलेगा नहीं चलेगा। तो हमने सोचा हमारे पास जो ओरिजिनल वाला किट्स लगी हुई थी उसी को निकाल लिए हैं और इसको लगा लिए हैं। और फिर दोबारा भी लगने के बाद सोल्डिंग वोल्डिंग करके अभी फिर से इसको अभी ट्राई करेंगे और देखेंगे कि ये हमारा आईसी ठीक हुआ या नहीं हुआ। और जाना तो चाहिए, वो भी फ्रेश है, अभी थोड़ा सा इसको क्लीन कर देंगे, थोड़ा सोल्डिंग इधर उधर पेस्ट उस लगा है तो थोड़ा उसको सोल्डिंग मारने के बाद उसको भी साफ़ कर देते हैं। कोई भी हम सोल्डिंग करने के बाद क्या होता है कि साफ़ करना ठीक रहता है, पहले तो सोल्डिंग मार लेते हैं। और किट साफ सुथरा रहने से भी काम करने में बाद में, या फिर साफ सुथरा रहने से देखने में अच्छा लगता है। तो ये हमारा थिनर है तो इसमें थोड़ा सा ब्रश से साफ़ कर देते हैं, और साफ़ करने से क्या होता है कि काम करने में अच्छा लगता है और किट भी साफ सुथरा दिखता है। और कभी भी नेक्स्ट कभी ख़राब होता तो फिर किसी को ये नहीं पता चलता कि काम के वजह से नहीं लगता, फ्रेश हो जाता है। और ये देखिए जैसे कि इससे साफ़ सुथरा हो गया, और इसमें ये नहीं लगता कि आप ज़्यादा कुछ काम किए हैं। ऐसी हमारा लग गई है, और लगने के बाद अभी देखते हैं पावर दे दिए हैं, 11 वोल्ट 12 वोल्ट के आसपास आ रहा है। और इसमें भी देखिए ये 14 वोल्ट माइनस आ गया, मतलब ठीक है, प्लस और माइनस आ गया मतलब ठीक है, मोटा मोटा ठीक है। वोल्टेज ये देखिए मीटर में दिख रहा है, ये भी वोल्टेज सब ठीक है। और ESD वोल्टेज हम देख लेते हैं, ये 180 के आसपास है, ये देखिए यानी ESD चालू हो गया है, और यानी हमारा सब कुछ ठीक दिख रहा है। और अभी फिर दोबारा चालू करके आपको दिखाते हैं स्क्रीन किस टाइप से आ रहा है, क्योंकि उस टाइप कैमरा इस टाइप से लगा हुआ था कि आपको विदाउट सेटिंग की आपको दिखा नहीं पाते, इसलिए अभी हमको दोबारा दिखा चालू करके ये देखिए स्क्रीन में स्नो आ रहा है, यानी हमारा TV ओके हो गया है। और फिर देखते हैं हमारे को प्रोग्राम लगा कब बढ़िया से दिखाते हैं, यानी TV तो हमारा ओके हो गया। और ये दोबारा डालते हैं और स्क्रीन में वीडियो डाल देते हैं और देखते हैं इसका किस टाइप से परफॉर्मेंस, यानी कैसे दिख रहा है, नहीं तो कुछ और सेटिंग करना पड़ेगा। TV तो चालू हो गया और ये हमारा प्रोग्राम देखिए एकदम सुपर आ रहा है। और हमारा ये आज LG का LG ट्यूब फिल्टरन का अब ओके हो गया। बस आज के लिए वीडियो बस यहीं तक के लिए, और ये हमारा देखिए बढ़िया आ रहा पिक्चर। और आज के लिए यहीं तक हमारा वीडियो समाप्त हो रहा है, और फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।